ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे गुरुवर, हे साईं बाबा, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 30 का पठन होने जा रहा है। हे बाबा, कृपा कर आशीर्वाद दे कि ये अध्याय सभी को आनंद दे, सभी के चित्त में उतरे, सभी को इसका लाभ मिले। आइए अध्याय 30। शिरडी को खींचे गए भक्त। पहला, वड़ी के काका वैद्य और दूसरा खुशाल चंद्र, तीसरा बंबई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि तीन अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। प्राकथन, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करते हैं। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग ना करेंगे। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हिमाडपंत कहते हैं कि हे मेरे साई, तुम तो दया के सागर हो, यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साई सचरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझमें इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साई ने अपने ऊपर ही ले लिया है, तो हिमाडपंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत ना हुआ और ना ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने आप को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा, उसे श्री साई की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क की नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही यह कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो वे निरी कपोल कल्पनाएं ही हैं। श्री साई के अंतरंग भक्तों को श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साई लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, ग्रस्ताश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के वड़ी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी
थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हो। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबकम नासिक गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। फिर प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरेदम्भ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त और कोई ना था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय बड़ी में क्यों और कैसे आ पहुंचे? अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर राकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले हुए 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिष शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनमें सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिष ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण ना किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तश्रृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वड़ी को प्रस्थान कर दिया।
पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था, काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहां से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्नत हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके त्रसित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। खुशाल चंद राहता निवासी। ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागरा अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक है ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहेब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट ना हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहेब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी, तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध ना हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए। बंबई के रामलाल पंजाबी। बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात ना होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के सदृश थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथ अपर्णमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम।